दोस्तों वर्डप्रेस ब्लॉगर कोर्स के पार्ट 11 में आप सभी का स्वागत है। जब हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा ब्लॉग बनाते कैसे हैं, कैसे ब्लॉगिंग करते हैं और ब्लॉग से पैसा कैसे कमाते हैं। अब सारी चीज हमने सीख ली, लेकिन आप सोच रहे होंगे राहुल भाई पैसे की तो अभी तक बात ही नहीं हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग से पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों ब्लॉग से पैसा कमाने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है गूगल एडसेंस। वैसे तो ब्लॉग से पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैं आपको आगे कोर्स में बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन इनमें सबसे बेस्ट गूगल एडसेंस है। अब बहुत सारे लोग जानते होंगे गूगल एडसेंस क्या है, कैसे इससे पैसे कमाते हैं, लेकिन कुछ मेरे बहन भाई ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता गूगल एडसेंस क्या होता है। तो राहुल भाई के चैनल पे हर चीज डिटेल में मिलती है, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं गूगल एडसेंस है क्या, क्योंकि अगर आपको इन चीजों का पता होगा तभी आप ब्लॉगिंग से अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। तो गाइज गूगल आपने सुना है कि क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है जहां पे हम कुछ भी सर्च करते हैं हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो गूगल कंपनी की एक सर्विस है गूगल एडसेंस, जो कि किन के लिए, हम जैसे ब्लॉगर्स के लिए। जब भी कोई ब्लॉग बनाता है तो हमें क्या करना होता है, कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे। तो हम क्या करते हैं अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस पे ले जाके सबमिट कर देते हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गूगल एडसेंस की टीम हमारे ब्लॉग को चेक करती है क्या हमारा ब्लॉग ठीक है, जो जो रूल्स हैं हमने फॉलो किए हैं या नहीं। अगर वो हमने फॉलो किए होते हैं तो हमें गूगल एडसेंस की टीम अप्रूव कर देती है और वहां से हमें एक छोटा सा कोड मिलता है, उसे हमें कॉपी करके अपने ब्लॉग पे लगाना होता है। उसके बाद क्या होता है, उस कोड को लगाते ही हमारे ब्लॉग पे एडवर्टाइजमेंट चलने लग जाती है। जैसे कि आप मेरे ब्लॉग पे देख रहे हो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है, तो जब भी कोई हमारे ब्लॉग पे आता है हमारे आर्टिकल्स पढ़ता है उनको बीच बीच में ये एड्स दिखती हैं और वो उस पे क्लिक करेगा तो हमें उस क्लिक का पैसा मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कितने पैसे मिलते हैं इसके, क्या होता है कि कई बार क्या होता है एक क्लिक के हमें सपोज करो 500 रुपए मिल गए, कई बार 10 रुपए 5 रुपए, डिपेंड करता है कि हमें किस तरह के टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हैं। तो ये जो क्लिक्स होते हैं होते रहते हैं, अगर आपके एक महीने में गूगल एडसेंस के अकाउंट में इसी तरीके से $100 हो जाते हैं तो वहां से क्या होता है, जो हम अपनी पेमेंट डिटेल वहां पे देते हैं बैंक अकाउंट की, हर महीने की 22 तारीख को अगर $100 होंगे, जैसे कि अभी नवंबर चल रहा है, अगर आपके नवंबर में पूरे $100 हो गए या फिर इससे ज्यादा हो गए, तो अगर $100 या इससे ज्यादा हो जाते हैं तो दिसंबर 22 को आपके अकाउंट में गूगल क्या करेगा, वो पैसे भेज देगा। तो 2-3 दिन में वो अकाउंट में आ जाते हैं, यानी पिछले महीने की कमाई अगले महीने की 22 तारीख को गूगल हमें दे देता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर अगर $100 पूरे नहीं होते हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है, कि सपोज करो आपके नवंबर में $20 हुए, दिसंबर में फिर $30 हुए, ऐसे करके जब जब वो जमा होते जाएंगे एडसेंस में, जब $100 हो जाएंगे तो अगले महीने की 22 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये तरीका होता है ब्लॉग से पैसा कमाने का। तो अब आप समझ चुके हो गूगल एडसेंस क्या है, गूगल की एक सर्विस है जिसके द्वारा हमें एडवर्टाइजमेंट मिलती है। तो दोस्तों गूगल एडसेंस पे अप्लाई कैसे करना है वो तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा ही, लेकिन गूगल एडसेंस पे अप्लाई करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो इस बात का ध्यान रख लें आपके ब्लॉग पे कम से कम 15 आर्टिकल्स होने चाहिए जो आपने खुद लिखे हो। ऐसा ना हो आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किए हैं या फिर किसी टूल को यूज करके रीराइट किया है या स्पिनिंग टूल यूज किए हैं। अगर आपने ये काम नहीं किया है तो आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ध्यान ये रखना है 15 आर्टिकल आपके खुद के लिखे हुए हो, कहीं से कॉपी पेस्ट किए हुए ना हो। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपको जो थीम यूज करनी है वो आपकी क्लीन होनी चाहिए। क्लीन मतलब देखने में साफ सुथरी लगे। अगर वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो जनरेट प्रेस की प्रीमियम थीम यूज करना। अगर ब्लॉगर यूज कर रहे हो तो हमने कोर्स में जो बताई थी वो थी गैलेक्सी थीम या फिर स्टार्टर आप यूज कर सकते हो। और जिन लोगों के पास जनरेट प्रेस की प्रीमियम थीम नहीं है वो मेरी टीम से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको बहुत ही कम प्राइस में दे दी जाएगी। सबसे बेस्ट थीम मानी जाती है जनरेट प्रेस एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो आपको थीम ऐसी यूज करनी है जो देखने में अच्छी लगे और रिस्पॉन्सिव हो। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि मोबाइल पे खोलो तो मोबाइल के हिसाब से हो जाए, अगर टैबलेट पे खोलो तो टैब के हिसाब से हो जाए, कंप्यूटर पे खोलो तो कंप्यूटर के हिसाब से हो जाए। इस चीज को बोला जाता है रिस्पॉन्सिव। और जो थीम हमने अपने कोर्स में यूज करी थी वर्डप्रेस और ब्लॉगर के लिए, दोनों ही रिस्पॉन्सिव थीम्स हैं। और आपको इसके साथ साथ क्या याद रखना है, जो आप अपने ब्लॉग का लोगो बनाओगे वो थोड़ा देखने में प्रोफेशनल लगना चाहिए। कोर्स में मैंने बताया ही था कि लोगो डिजाइन कैसे करते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देख के अपने ब्लॉग का लोगो अच्छा सा बना लेना, क्योंकि जब एडसेंस की टीम आपके ब्लॉग को चेक करेगी तो वो लोगो भी देखती है। अगर लोगो नकली सा लग रहा होगा,
और अच्छा नहीं होगा तो आपको अप्रूवल मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, जब आप ब्लॉग बना लेते हो कम से कम उसके 21 दिन बाद आप ब्लॉग को एडसेंस के लिए अप्लाई करना। बहुत सारे लोग इतने उतावले होते हैं कि आज ब्लॉग बनाया 6-7 दिन बाद ही अप्रूवल के लिए भेज दिया और फिर बोलते हैं भाई एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। भाई कम से कम थोड़ा काम करो, थोड़ा पेशेंस रखो, अपने ब्लॉग को कम से कम 20-21 दिन पुराना कर लो और इतने दिन में सारी सेटिंग्स कर लो, 15-20 आर्टिकल लिख दो, उसके बाद आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, अपने ब्लॉग पे कम से कम ये 5 पेजेस बना ले, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, इन 5 पेजेस को जरूर बना ले एडसेंस पे अप्लाई करने से पहले। और ये मैंने आपको कोर्स में बताया ही था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारी जब चीजें पूरी कर लेते हो आप, उसके बाद आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। अब बात आती है भाई, सारी चीजें हो गई, अब अप्लाई कैसे करना है उसका भी प्रोसेस बता दो, तो मैं वर्डप्रेस और ब्लॉगर दोनों के लिए साथ में ही बताऊंगा कि आपको गूगल एडसेंस के लिए अपने ब्लॉग को प्रॉपर वे में अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है और कैसे इन चीजों को करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है एडसेंस। जैसे ही आप लिखोगे सबसे पहली वेबसाइट गूगल एडसेंस की होगी, आपको एडसेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एडसेंस की वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका ईमेल होगा आपको सेलेक्ट कर लेना है और जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी वेबसाइट डाल देनी है। वेबसाइट डालने के बाद आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी कंट्री को चूज करना है कि आप किस कंट्री से हो, तो यहाँ पे आप गलत मत चूज करना, आप जहाँ फिलहाल रह रहे हो जो आपका रेजिडेंस है वही चूज करना। तो यहाँ पे मैं इंडिया चूज कर लेता हूँ। इंडिया चूज करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, इसको पूरा इस तरीके से स्क्रॉल करना है, इससे ये लगेगा कि आपने इसे पढ़ लिया। और यहाँ पे आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी पेमेंट डिटेल्स डालनी है और ये आपको बहुत ध्यान से डालनी है। एंटर इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालोगे आप बहुत ही ध्यान से डालनी है। पहले नंबर पे आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप इंडिविजुअली रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना। नेम में आपको, अगर आप अपने नाम पे ले रहे हो तो आपका जो बैंक अकाउंट में नाम होगा आपको नाम में वो डालना है। अगर आप अपने मम्मी पापा बहन भाई किसी के नाम पे भी ले रहे हो तो उनका जो नाम बैंक अकाउंट में होगा आपको वो नाम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो सिटी है, आप कौन से शहर से हो, क्या उस सिटी का पिन कोड है, कौन सी स्टेट से हो, जिस भी स्टेट से हो वो सेलेक्ट कर ले। अपना फोन नंबर डाल दे। तो जल्दी से मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पे जो नीचे सबमिट का बटन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो जो आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है एड्स का, वो क्या है, यहाँ पे ऑप्शनल है, आप इसको कर भी सकते हो लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसे अभी करो। तीसरा हम जो ऑप्शन यहाँ पे चेक करेंगे वो है साइट्स का। अब हम लेट्स गो पे क्लिक करेंगे जो साइट्स का ऑप्शन है, और यहाँ पे हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमें एक कोड मिलेगा, इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको हमें अपने वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर के डैशबोर्ड में इसको पेस्ट करना है। अब पहले मैं बताता हूँ वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस में कहाँ पे करना है, उसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉगर की। तो वर्डप्रेस में आप आओगे, आपको अपीरियंस का यहाँ पे सेक्शन मिलेगा, इसमें थीम फाइल एडिटर होगा, इस पर आना है। बहुत ही आसान है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐसे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी header.php, ध्यान से देख लो header.php, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत इजी काम है, कोडिंग का कोई ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम होगा। इस फाइल में आपको सबसे पहले मिलेगा हेड, आप देख सकते हो HEAD, इसके नीचे एंटर करना है और जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अपडेट फाइल पे क्लिक करना है। अब बात आती है ब्लॉगर की, ब्लॉगर पे कैसे करना है, आपको अपने ब्लॉगर का डैशबोर्ड खोल लेना है। यहाँ पे थीम के ऑप्शन पे आना है। थीम के ऑप्शन पे आने के बाद इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट HTML पे आना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको ये HEAD हेड वाला ऑप्शन मिलेगा, जैसे वर्डप्रेस में दिख रहा था। आपको यहाँ पे जो कॉपी किया एडसेंस है उसे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे सिंपली सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम वापस से अपनी एडसेंस पे आ जाएंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे हमारी जो साइट है वो एडसेंस अप्रूवल के लिए चली जाएगी और यहाँ पे लिखा आ जाएगा गेट प्राइवेसी रेडी। तो यहाँ पे क्या है, ये रिव्यू में जाएगी, हम यहाँ क्या करेंगे रिव्यू नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रिव्यू नाउ पे क्लिक करते हैं
तो हमारी साइट जा चुकी है एडसेंस के अंदर। अगर हम यहाँ पे साइट्स पे आके देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है गेटिंग रेडी। जैसे ही साइट हमारी अप्रूव हो जाएगी तो हमारे मेल पे आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी साइट अप्रूव हो चुकी है। अगर नहीं अप्रूव होगी तो वो आपको दिखा देंगे कि किस रीजन से अप्रूव नहीं हुई है, तो आप उस रीजन को पूरा करोगे, आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। इस पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो गाइस सारी चीजें हो गई, ब्लॉग को हमने अप्लाई कर दिया गूगल एडसेंस के लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई कितने दिन में अप्रूवल मिलेगा। ज्यादातर लोग यही क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं कि सर इतने दिन हो गए कब हमें अप्रूवल मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं गूगल एडसेंस से रिप्लाई आने में कम से कम 24 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन लग सकते हैं, लेकिन 90% केस में आपको रिप्लाई एक हफ्ते के अंडर आ जाता है। लेकिन कई बार होता है 10% कि 15-20 दिन से ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को 24 घंटे में या फिर 7 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपका ब्लॉगिंग, यूट्यूब और ऑनलाइन अर्निंग से जुड़ा कोई भी डाउट हो अपने भाई को कमेंट कर देना, वीडियो बना दूंगा। अभी इस कोर्स में कुछ वीडियोस और आएंगी, तब तक आप आर्टिकल्स लिखते रहें, एडसेंस के लिए अप्लाई कर दें, आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। अगर बाय चांस नहीं मिलता है तो दोबारा से घबराने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल्स लिखते रहें और अपना काम करते रहें। जैसे जैसे धीरे धीरे ट्रैफिक आने लग जाएगा तो एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और हमेशा एक बात आपको बोलता हूं, कभी भी लाइफ में डीमोटिवेट मत होना। अगर ब्लॉगिंग में आए हो तो मेहनत करने की आदत डालो, सफलता तो आपको 101% मिलेगी। हार मत मानना कि भाई एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। अगर चीजों को फॉलो करोगे ना तो सब कुछ मिलेगा। और जो चीजें मैंने इस चैनल पे बताई है ना, इनको देख के बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो, लोगों के आर्टिकल पहले पेज पे भी रैंक कर रहे हैं। तो आपको जस्ट मेहनत करनी है, जो आपके राहुल भाई आपको बता रहे हैं उनको पहले समझना है, सोचना है, और उसके बाद ब्लॉग पे करना है और लंबे समय तक करना है। उसके बाद रिजल्ट देखना, आप महीने के लाखों रुपए कमाना शुरू कर दोगे। तो मिलता हूं आपसे अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मेहनत करते रहो, सक्सेस तो आपका भाई दिलवा के छोड़ेगा। बाय बाय।